हरिओम, नमो नमः, शुभ मध्यानम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं तनुजा जोशी, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल तनुजा जोशी पहाड़ी ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर 3 बजे से। और आज हमारी मंडली जाएगी धारे में, सिद्धेश्वर मंदिर में होंगे आज कीर्तन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं धारे को, तो अभी कोई नहीं आया है। अब हम जाते हैं वहाँ, थोड़ा बिछाते हैं और फिर शुरू होंगे वहाँ भजन। और आज है टीका, होली का टीका, तो इसलिए वहाँ कीर्तन होता है मंदिर में आज। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर को, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, सुनाते हैं आप आज भी आपको भजन कीर्तन थोड़ा। तो चलिए चलते हैं धारा। अभी यहाँ हो रहा है गुड़ का बान। अब सब बखाई वालों को मिलेंगे गुड़ के टुकड़े एक एक। ये बुआ ने लगा रखी है अपनी ताकत। ये यो ये तोड़ दिया है। और अभी कीर्तन मंडली में बस 3-4 ही पहुंचे हैं, बाकियों का पता नहीं है। I'm not afraid.
अब होली का गुड़ बटने लग गया है। बुआ यहाँ को दिखा के होली का गुड़, होली का गुड़ यहाँ को दिखा के बांटो। जो चले गए हैं उनके बांट का भी है, जो होली खेलने आए थे चले गए हैं उनके बांट का भी है गुड़। पकड़ो पकड़ो, कब हो जाएगा जी वो तो देखो। और धारी में करके आ गए हैं कीर्तन भजन, तो अभी हम आ गए घर, अब थोड़ा काम हम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो आज भैया ने बनाया है, क्या बनाया है? यह है छोले चाट। छोले चाट बना रखा है, तो इसमें आलू, फ्राइड आलू, फ्राइड आलू हैं और बॉईल वाले छोले हैं, तो ये देखिए। और उसके लिए प्याज भी काटा है और जीरा भी पीस दिया है। अब बन रहा है ये जो हनोले वाला पहलवार खाने मिला है। तो अब भैया इसमें मिला रहा है दही, खट्टा है नहीं हो रहा है खट्टा, दही मिला दिया है। देखिए दिखने में तो टेस्टी लग रहा है अभी फिलहाल, तो देखते हैं कैसा बनता है ये। डाल दिया है चाट मसाला, तो देखिए ऊपर से चाट मीठा मसाला, ये देखिए चाट मसाला की सीजनिंग हो रही है। अब इसमें मिलाने लगे हैं नमक, नीमक, थोड़ा चटपटा सा धनिया, प्याज और हरी मिर्ची कटी थी वो डाल दिया गया है ऊपर से, ये देखिए। तो अब इसमें पिसा हुआ जीरा भी मिल चुका है, ये तैयार हो गई है हमारी, ये गरीब चाट तैयार हो गया है हमारा ये। तो अभी भैया ने बनाई है गरीब चाट की रेसिपी, तो अब हम लोग इसको खाते हैं। दिखने में तो टेस्टी लग रहा है, तो खाने में भी टेस्टी होगा, तो ये तो हमको खा के ही पता चलेगा। और आज के ब्लॉग को बस इतना ही रखती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपको बहुत जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।